अस्सलाम वालेकुम गाइस, अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल। इसी के साथ हम आ जाते हैं अपने दूसरे व्लॉग पे। आज हम फिर से मैच खेलने के लिए आए, लेकिन इस बार उम्मीद यही है कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी और इंशाल्लाह इस बार जीतेंगे। तो अभी हम नाजमाबाद की साइड पे आए हुए हैं दूसरा मैच खेलने। हमारा दूसरा मैच है अभी, जो कि पहला मैच चल रहा है और जगह काफ़ी अच्छी है। सही है, ऑफ खुला है, लेग बंद है, ऑफ खुला हुआ है, लेग बंद है। ऑफ साइड पे वनडी है, हमारे साथ शायन भाई मौजूद है और सारे भाई मौजूद है, और भी है, तहा खड़ा हुआ है, समीर खड़ा हुआ है, मतीन खड़ा हुआ है, आज और हमारे कैमरामैन साहब। तो इसी के साथ हम यहाँ से शुरू करेंगे और देखते हैं। अश्मीर टॉस हो गया, अभी करेगा ना सेकंड मैच है, टॉस अभी थोड़ी टॉस होना बाकी है। तो जैसे ही टॉस होता है उस हिसाब से आप लोग अपडेट देंगे कि हम बैटिंग कर रहे हैं कि बॉलिंग कर रहे हैं। हाँ वो इसका सीन है, फिर ये जानी कि हम लोग कारकुन लेट हो गए थे पहुँचने में, ये वही टीम है ना जो 20-20 मिनट में पूरे मैचेस मार रही थी। बोल के गए थे फाकिर भाई के वी डोंट वांट लक, वी डोंट वांट गुड लक, गुड लक वी विल विन आई एम श्योर। खड़े रह गए ये, वो प्रेस कर रहे हैं, वो कोने में खड़े इसलिए बोलते हैं शान भाई क्या बड़े बोल नहीं बोले जाइए। जैद भाई कुछ इरशाद है सीएस के रिलेटेड? मैं तो खेलने का नहीं, मैं तो फोकस कर रहा हूँ आपको क्रिकेट के छक्के दिखाएंगे। इसके पिछले व्लॉग में बोल रहा था आप लोग बॉलिंग देख लेना, बैटिंग में देख लूंगा। और उसने क्या किया? देखो ओवेस और मुझ में फर्क है, ओवेस वही है ना जिससे मुझे आउट करा था। उस पे आपका गम फिर अलग है ना, पहली बॉल जाए रन आउट, खेली भी नहीं बॉल, मसला ये था बॉल भी नहीं खेली थी मैंने। और उसपे वो भाई बोल रहे थे कि पहली बॉल में रन क्यों लूं। ठीक है भाई, तो गाइस जगह ये है, अभी शुरू होने वाला है, बस अगला मैच है हमारा। तो भाई ये गेम नहीं है, अगर शुरू हो जाएगा तो फिर हम आपको फर्दर कंटिन्यू करके दिखाएंगे। सीन बेहतरीन हो जाएगा अभी इंशाल्लाह। हमारा जो स्ट्रॉन्ग जोन है हम पहले बॉलिंग ही करेंगे, और बॉलिंग है ना, कौन सा स्ट्रॉन्ग जोन है बॉलिंग? कौन यार, देखो बॉलिंग में स्ट्रॉन्ग है स्पिनर, भागता हुआ स्पिनर, नहीं नहीं गलत बात नहीं, मोटा विद पेस, मोटा था लास्ट टाइम मोटा। अबे मुझे बंदा कह रहा है भाई आपका वजन इतना, आपका पेस कैसे आ रहा था? अबे भाई बॉलर कौन कौन है? सारे बॉलर ही है, शायन निकालेगा, मतीन निकालेगा, मैं निकालूंगा, तू निकालेगा, हम चार बॉलर है। ओवर तो तीन का, ओवर तीन है, कर लेंगे ना अभी डिसाइड किस किस ने ओवर। चलो टॉस करवा लेंगे, टॉस कर लेंगे जिस जिसने ओवर करना, हैटल हैटल है, हैटल करवाएंगे। शायन का ओवर पक्का है, बस जैद भाई की बैटिंग चल जाए, जैद भाई का ओवर पक्का है, जैद भाई से काफी स्पिन कराएंगे, स्पिन कराएंगे, ऐसे घुमाता ना स्पिन, नहीं नहीं जैद वाला फिर ओवर आएगा, अवेश वाला पांच छक्के। जैद से हमसे काफी उम्मीद है, इनकी मतलब की जगह है ये, स्टेट की जगह बहुत खुली हुई है, बहुत खुली हुई है, अगर लेग भी थोड़ा सा खुला होता है तो मजा आ जाता। हाँ वरना वो छत पे बॉल गई और आउट नहीं हो जाता। डिसीजन पेंडिंग में अंपायर आउट दे दिया अंपायर ने, नहीं करा रहा, स्पिन नहीं करा रहा, पर बेकार है भाई। यहाँ पे कमाते कुछ, और ये हमारे बॉलर लास्ट बॉल कराते हुए बोल्ड भाई बोल्ड, ये रन अप लिया, ये इनका पाँव फेयर डिलीवरी, ओ गाइस सीन ये हुआ है। हाँ चलो, तीन ओवर में 24 रन का टारगेट मिला। कितने खाए मोबिन तुमने? मैंने 4 रन, 8 रन, एक बोल्ड और 2 रन आउट, और तुम्हारे ओवर में 8 रन आए थे, दूसरे में 4 आए थे। हाँ वो डालेंगे, वो हाईलाइट्स हम डाल देंगे। और अब सीन ये है,
कि हमारे जैद भाई बैटिंग पे जा रहे हैं और जैद के साथ कौन जा रहे हैं? जैद और दहा जा रहे हैं बैटिंग के ऊपर। तो अभी जो सीन होता है ठीक है सर, सेकेंड इनिंग का आगाज होता जाता है, बोला गया ना बहुत लंबा है। और बैटिंग पे दहा साहब है, दहा और नॉन स्ट्राइकर एंड पे जैद है। तो देखें क्या सीन बनता है। बॉलर बॉल शुरू करेंगे, अभी बहुत लंबा लाइनअप लेना है। शायन भाई बॉलर के लाइनअप के बारे में क्या ख्याल है आपका? यार वो थोड़ा लग रहा है, देखो बॉलिंग करा के पता चलेगा जो बात है। ये भी ठीक है, ये आपने मेरे पे मेंशन करके बोला शायन। बॉल कहाँ गई हमें दिखी नहीं, एक रन हो गया, एक बॉल एक रन हो गया। अच्छा बॉल क्या बोला ने? तुम्हें क्या लग रहा है जैद? क्या लग रहा है जैद का? मारने भी चाहिए यार। सभी व्लॉग कर रहे हैं जी शायन भाई। जैद का बॉल है ना ये वाली बॉल कर रहा है। अच्छा शायन भाई भी हमारे व्लॉगर है, शायन अहमद के नाम से इनका व्लॉग है। मुबीन असद के नाम से करो भाई। शुक्रिया बन के व्यूज हो गए पहले वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बॉल था, रन आउट होने का चांस लेकिन बच गए। जैद जान देख के भागो, जैद जान देख के भागो। बाकी आगे जो होगा हम आपको दिखाते जाएंगे। क्या रहना फिर से शुरू हुआ है और ये वाइड बॉल सही है चार बॉल बॉलर का रनअप बहुत ज्यादा है, लाइन पे नहीं आ रही है, लेकिन हार्ड बॉल वाला रनअप कर रहा है। लेकिन यार एवरीबॉडी हैज देयर ओन स्ट्रेंथ, जो बात है। वार्म अप किया होता तो अच्छा होता ना। वार्म अप करते ना तो आज इस तरह बट्टा नहीं लगता। बट्टा नहीं कराता मैं, पहली बॉल देगी नहीं करेगा। वन डी हो गई है। बाकी कंटिन्यू करके आपको दिखाते रहेंगे क्या क्या असर होते रहे यार। यही पहले ओवर के बाद सीन ये है कि ये 7 रन दिए, अब 2 ओवर में 17 रन चाहिए। तो देखें क्या सीन होता है। जैद भाई हमारे स्ट्राइक पर हैं और अब देखें क्या होता है। बॉलर ने बॉल डाली है और वो बहुत प्यारा बॉल किया था इसने, कीपर बीट हुआ और एक रन आ गया। बहुत प्यारा रन भागे, बाउंड्री पे जो फील्डर था उससे फंबल हुआ और यहाँ पे 2 रन भाग गए। शाबाश जैद, 12 रह गए। वही सीन ये हुआ है कि 2 ओवर में आखिरी 6 बॉलों पे हमें 11 रन चाहिए और अब शायन भाई बैटिंग पे गए, हमारे जैद भाई रन आउट हो गए। अब सीन ये है कि अब 5 बॉलों पे 10 रन चाहिए। मतीन क्या कहेंगे, 5 बॉलों पे 10 रन चाहिए? बन जाए पर छक्का उक्का मार दे यार। शायन की स्ट्राइक है, इस बॉल पे उम्मीद है शायन से, उम्मीद तो हमेशा रहती है। शाबाश शायन बेटा, अपने ऊपर रह के खेल, शाबाश। वाइट हो गए, साइड की भी वाइट है, साइड की भी वाइट है। वाइट हो गई भाई, वाइट हो गई। वाइट बॉल हो गई है, 5 बॉलों पे 9 रन चाहिए। थोड़ा सी गर्मा गर्मी हो गई है। जैद भाई थोड़े से ठंडे हो जाए। जैद भाई चार बॉलों पे 9 रन चाहिए। भाई शाहिन भाई आउट हो गए। अश्मीर स्कोर क्या रह गया? 3 बॉलों पे 8 रन चाहिए। शाहिन भाई रन आउट हो गए और अब अली रजी जा रहे हैं। रजी बैटिंग पे गए, अब डॉट बॉल हो गई, 2 बॉलों पे 8 रन चाहिए। क्या कहना चाहेंगे शाहिन भाई क्या कहना चाहेंगे? 2 बॉलों पे 8 रन चाहिए। वाइट हो गई है, 2 बॉलों पे 7 रन चाहिए।
इंशाल्लाह फजील भाई वाइट आ जाएगी तो क्या ही बात हो जाएगी। और भाई मैंने 50,000 रुपए में फ्रेंच फ्राइज का स्टॉक शुरू किया। काइंडली आप इनके फ्रेंच फ्राइज पे जाएं। शाबाश 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 शाबाश। बस सही, एक और वाइट आ गई है, दो बोलो में 6 रन चाहिए। शाबा अली 2 पे 6 चाहिए मेरे पास। शाबा बॉयज अभी 2 बॉलों पे 6 रन चाहिए। क्या लगता है आपको अली छक्का मारेगा? और ये डॉट बॉल हो गई है। अली वाइट तो देख यार। 1 बॉल पे 6 रन चाहिए। अली ने वाइट बॉल खेल ली, फुल लेग पे बॉल थी। अली वाइट लेग पे ऊपर लेके खेल। शाबाश चढ़ के आएगा एक पे। ये पूरे एम्पायर की गोल का हम वेट कर रहे हैं। बॉल देखने जा रहे हैं। अगर बॉल बाहर से मिल गई तो 6 रन है और मैच हम जीत जाएंगे। अब देखें क्या होता है। मैच ड्रॉ होगा। नहीं ना, एक साथ चाहिए था ना। नहीं ना, 2 वाइट हो गई थी। एक पे छह चाहिए थे। अगर 6 लग गया तो जी लेके बच जाओ। नहीं बोला मिल गया। वरी वरी ट्रक के नीचे वरी एक बार साथ भाई हमारे गए नहीं भाई, इतना पानी हो गया था। अरे नहीं है भाई, नहीं मिलूंगा। अबे इसके अंदर हो सकता है शायद, इसके अंदर हो सकता है। यार बीच में से गैप है, छपड़े से जा सकती है। अबे ये बात भाई यार, ये तो नहीं होता यार। भाई सीन ये हुआ है कि बॉल चली गई है यहाँ पे या कहीं चली गई, तो बॉल नहीं मिली जिसकी वजह से इन्होंने डॉट बॉल दे दी और इसी के साथ हम ये मैच हार गए हैं। कैसा रहा मैच? भाई सीन ये हुआ है कि आखिरी बॉल पे हमें 6 रन चाहिए थे यार। वो वाइट थी यार। वो अली रिजवी की स्ट्राइक, ऐसा नहीं करो यार। अली रिजवी ने शॉट मारा, वो बैटिंग गलत थी भाई। मैं आपको कह रहा हूँ बता के कभी नहीं खेलना है। एम्पायर अच्छे नहीं है यहाँ पे, सही है, वाइट नहीं देते तो और फिर सब लड़ने लग जाते हैं। सीन ये हुआ, अली रिजवी ने छक्का मारा, बाउंड्री क्रॉस हो गई लेकिन बॉल नहीं मिली, तो उन्होंने बोला अगर बॉल मिल जाएगी तो 6 रन दे देंगे। बाय बाय, मैं जा रहा हूँ और मैच जीत गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। तो अब सीन ये हुआ कि ये मैच हम हार गए। इंशाल्लाह कल हमने एक और जगह मैच डालना है, एक और जगह टीम डाली हुई हमने सारे फैसल पे, वहाँ खेलेंगे तो फिर कल आपको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।